शिवालय की सीरीज में आज हम आए राइजिंग जोन के उद्घाटन के अवसर पर, जहाँ पर आपको एक शिव मंदिर है उसके दर्शन भी करवाएंगे। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गोबरिया हनुमान मंदिर भी है, उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। ये जो राइजिंग जोन है वो एक छोटे से बच्चों छोटे बच्चों का ट्यूशन सेंटर है, जिसके साथ गेमिंग जोन भी है, जो क्लास फिफ्थ तक के बच्चों को ट्यूशन करवाएंगे शाम को 4 से 8 बजे तक। आप दर्शन करेंगे मंदिर के गोबरिया हनुमान मंदिर का पुराना मंदिर है। साथियों नमस्कार, सावन के इस पवित्र मास के प्रारंभ गुरु पूर्णिमा से मैं अपने प्रणव लोग आपको कुछ याद दिलाता हूँ। मैंने आपको याद पिछले साल सावन के अंदर बहुत सारे बीकानेर के शिवालयों के दर्शन दिलाए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो आप कभी कभार ही गए होंगे। आज मैं आज शुरू करवा रहा हूँ आपको एक ऐसे छोटे से मंदिर से जिसमें आदमियों की तादाद बहुत ही कम रहती है। यह है मंदिर दसोले के पास स्थित एक पंच भवन है, पंच भवन में जहाँ पर आज शुरू हो रहा है राइजिंग स्टोन एक ट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें गेमिंग जोन के साथ आपको बच्चों को ट्यूशन भी क्लास स्टार्ट होगी। आप देखेंगे कि क्लास उसमें क्लास नर्सरी से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को अध्ययन कराया जाएगा, साथ में उनको खेल भी खिलाए जाएंगे ताकि उनका ध्यान बच्चों का टीवी और दूसरी सोशल मीडिया से दूर रहे। और आप देख रहे हैं मंदिर की एक छोटी सी शिवलिंग है, मंदिर एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर बनाया गया है और बहुत कम लोग इसमें दर्शन करने आते हैं। इसमें शिव परिवार पूर्ण रूप से है, नंदी जी बाहर हैं और आज ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिवालय के एक दर्शन करवा रहा हूँ। मैं आपको बात करवाना चाहता हूँ हमारे इस राजी मंदिर शिवालय की सीरीज के अंदर आपको एक नया और नया दृष्टिकोण पेश करवा रहा हूँ। उसके साथ मेरे साथ है रविकांत जी व्यास जो राइजिंग जोन के डायरेक्टर या प्रवर्तक के रूप में काम करेंगे। आप देखेंगे इसमें नया क्या चीज है रविकांत जी? ये मेरे ख्याल में बीकानेर ही नहीं पूरे राजस्थान हो सकता है इंडिया का भी एक नया कॉन्सेप्ट है, जहाँ हम इवनिंग के अंदर छोटे बच्चे अप टू फिफ्थ तक की एक छोटी कोचिंग क्लासेज जो है उसको रद्द कर रहे हैं। इस कोचिंग क्लास के अंदर हम छोटे बच्चों को स्कूल के होमवर्क के साथ जो लर्निंग या जो भी होमवर्क उसको दिया गया है वो कंप्लीट करवाएंगे। उस कंप्लीशन के बाद बच्चों के मेंटल फिजिकल इसकी डेवलपमेंट पर वर्क करेंगे, जहां बच्चों को गेम के साथ बच्चों के अंदर बेसिक मैथ्स उसकी वोकेबुलरीज रीडिंग हैबिट्स बेसिक साइंस जो उस स्टैंडर्ड पर बच्चों के लिए काम की है हम उस पर वर्कआउट करेंगे। डेली बच्चों का एक योगा और एक्सरसाइज का सेशन होगा। इस दौरान बच्चों को जो है वो एक मील जो है वो भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उस मील में बच्चों को हेल्दी फूड फूडिंग हैबिट खटसी ये सब चीज़ें जो है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। आप देखेंगे कि रविकांत जी पिछले 10 वर्षों से एजुकेशन के क्षेत्र में ही कार्यरत है और वर्तमान में इन्होंने डॉक्टर कॉलेज में व्याख्याता के तौर पर ज्वाइन किया है। ये खुद MBA है और कुछ नया सोचने का इनके प्राय मूड में रहता है। उसी का परिणाम है कि राइजिंग जोन एक शहर के परकोटे के अंदर ऐसी इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए कि लोग लोअर इकोनॉमिक पेयर है उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेस्ट जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम रखा है। नॉर्मल एक बच्चा जो फीस पे करता है ट्यूशन की हम उसी फीस पे के अंदर बच्चों को यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे अपने पास रखेंगे और वो जो 3 से 4 घंटे के अंदर हम मान के चलेंगे कि एक दिन बच्चा यहाँ से जब निकलेगा उसके गार्जियन की जो मेंटल डिमांड है फिजिकल डिमांड जो है उसको पूरा करना। अब देखेंगे कि उनके साथ में जो रूम बनाए हैं वो एयर कंडीशन है, जबकि बच्चा तो ट्यूशन जाता है तो
तो टीचर के घर पर एयर कंडीशन की सुविधा नॉर्मली नहीं रहती है। तो इस स्पेस, इस फी स्ट्रक्चर के अंदर अगर एसी और दूसरे गेमिंग जोन जाए तो ये बहुत वाकई बहुत ही इकोनॉमिक है और आगे मैं उज्जवल भविष्य और संस्था के उच्च उन्नति की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। पंच भवन का महादेव मंदिर है जिसके आप पुनः दर्शन करें और मैं आपको इस मंदिर के ये शिवलिंग है उसके बाद माता पार्वती है, गणपति है और आगे भी अन्य मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। पूरे सावन मास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बीकानेर के दूसरे मंदिर भी और आपको दर्शन करवाए जाए जहां आप गए नहीं है। और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद।